प्रकाश है। चालू आयु कर कितनी है साथी? सत्तर 71 और आपका टिक निवास करो सर, वो इस गांव। मांगली आवास। हाँ ठीक है सर। सुनो, अब हाँ सर। गांव का नाम मांगली आवास है, जिला अजमेर है, पेड़ को नाम कल्पवृक्ष। यहाँ दो वृक्ष था पहले, एक हाँ नर सर। एक मादा। नर भगवान के चला गया 2005 में, यहाँ से 20 कदम आगे था। उम्र आने से उसको दीमक खा गया, 10 मीटर का उसकी गोड़ाई थी। ये उसकी पत्ती 2008 में दूसरा लगा जाए, कृत्रिम पौधे मिलते हैं नर्सरी से, वो 15 साल का पेड़ खड़ा है। ये ओरिजिनल पेड़ उसकी पत्नी सलामत है, 9 मीटर मोटी है, देखो हाथी जैसा चमड़ा है, स्त्री का योनि का निशान मिला पर देखो। 12 साल में एक फल आवे, बेसाल जेठ में लाखों फूल आवे, सावण या मास मेड़ो भरे, अरे भेजा मेड़ो लाख आदमी के राजस्थान को पहलो मेड़ो टू शुरू हुए। अब के 2 सावणा 2 मेला भरिया, दिसंबर से जून में पत्तू एक भी नहीं रहे, जुलाई से नवंबर हरियो रहे, मई जून में लाखों फूल आवे, फल 12 साल में एक आवे। देवता राक्षसों ने समुद्र का जो मंथन किया उसमें 14 रत्न निकला। आप नाम सुनो, कल्पवृक्ष का पेड़, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चेश्वरा घोड़ा, जैर अमृत, लक्ष्मी, कौस्तमणि, वारुणी कन्या, चंद्रमा, दारू, सगरम्बा अप्सरा। भगवान विश्व दुनिया का मालिक है, 14 रत्नों बटवालो करो, 14 में 4 रुक का राजा इंद्र देवता ने दिया। कल्पवृक्ष रो पेड़, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चेश्वरा घोड़ा, जहर भगवान शंकर पी दो, अमृत देवता ने पायो, लक्ष्मी कौस्तमणि भगवान विष्णु राखी, और बाकी चीज देवता ने भाई राक्षस ने दे दी। ये देवता राक्षस को आपस में सगे भाई हैं, कश्यप ऋषि की संतान है, कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी पोतो है, ब्रह्मा जी के पोता 13 पत्नियां थी, अदिति नाम की पत्नी का देवता भी आया, अदिति का राक्षस किया, बाप एक है माधो है। देवताओं के लिए भगवान स्वर्ग लोग बनाए, जो आकाश रहे ऊपर है, राक्षसों को सुतलो धरती नीचे है। राक्षसों का नाम हरणाकश्यप, हरणा जी के प्रहलाद भगत जन्मे हो। बुरी बाद में भगवान कृष्ण अवतार ये मथुरा में, ये बड़ा भैया गुजरात में द्वारका नगरी बसाई, तो अपनी पत्नी सत्य मामा रखे वो पेड़ ने सुरक्षित द्वारका में लाया, और द्वारका स्पीड आकाश मार्ग से उठकर ठाड़ो है। अटे कोई मनोकामना मांगे, कोई बेटा पोता पड़पोता, ब्याह शादी धंधो पानी, हारी बीमारी, टाबर ब्याह टाबे पढ़ाई, या पत्नी लड़ाई खो रहे या पति लड़ाई खो रहे, हमारा छोर छोरी अपनो ब्याह मांगे, फिर वह दिल्ली बम्बई कलकत्ता गुड़गांव दूर दूर से लोग बैठे आवे, आई रिसोर्ट है स्वीट कहानी है। ठीक है।